नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गाना निकालने के पीछे तो लगे हुए हैं ही, और बिना लगे होगा भी नहीं, तो लगना तो पड़ेगा ही। और मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का गाना, आप लोगों को गाना निकालना आ जाए, लेकिन कोशिश आप मेरे साथ करेंगे। और फिर मैं हर वीडियो में मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं बोलता हूँ और जो बोलता हूँ उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी गाना निकाल पाएंगे। और उस बीच में मैं कुछ ट्रिक भी बताता हूँ जो प्रैक्टिकल कर भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चल दोस्तों, आज आपसे मैंने पिच के बारे में पहले ही बताया था, आज मैं कुछ बहुत ही खास टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल। होता क्या है कि समझ नहीं पाते हैं आप कि गाना ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या यहीं पर खड़ा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है कि यहाँ से इधर जा रहा है, या यहीं पे खड़ा है या इसके आसपास है। ये आसपास हुआ, ये सेंटर है, ये आसपास हुआ। और अगर भाग रहा है ऊपर की तरफ पिच, तो ये ऐसे जा रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये समझना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन करने पे जरूर आ जाती है। तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया है, वो तरीका मैं टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बार बार करूंगा, दिखाता हूं कर आपको, और इस पे विशेष और इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, और प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर आप नहीं सुनेंगे, इसमें क्या आपने कान को तेज बनाना है, पिच को समझने के लिए कान को तेज बनाना है, और कान को तेज बनाने के लिए क्या करना होगा, सुनना होगा। ये आवाज को पहचानने की कोशिश करना, सीधा कह सकते हैं आवाज को पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे आवाज को, पिच को, तो आइए हम आपको इस पे अभी दिखाते हैं हारमोनियम पर कि क्या करना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें करना क्या है, देखिए हमेशा आप लोग करते हैं सारे ग म प ध नि सा, ठीक है। गाना तो हम ज्यादा कर इधर से होता नहीं है, ये आपको ही पता है, इतना तो अभी तक समझ ही गए होंगे हमारे साथ जुड़ने के बाद। देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, पिच को समझने के लिए, आवाज को समझने के लिए कि आवाज ऊपर की तरफ बढ़ रही है या नीचे की तरफ बढ़ रही है या इसी के आसपास है, कैसे समझेंगे, बहुत ही खास चीज है। तो इसको देखिए, कैसे इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप इसकी, वो मैं बताता हूं। देखिए क्या करना है, पहले प को आप मेन सेंटर मान लीजिए, सबसे पहले आप प को मेन, इसको आप जैसे कि ये सा होता है वैसे इसको आप मान लीजिए, तो प को मेन मान लीजिए अभी। और उसके बाद क्या कीजिए कि बड़े ध्यान से इसको देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं, और सुनना है इसको। सबसे बड़ी चीज ये कि आप सुनना है, अगर आप नहीं सुनेंगे, कान नहीं लगाएंगे, तो करने का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बस यहां रुक जाना है, फिर यहां से नीचे नहीं आना, अभी मैं बाद में बताऊंगा कब क्या करना है। पहले इसको, ये आवाज पिच, आवाज ऊपर की तरफ कैसे चढ़ती है, इसको समझना है सिर्फ। क्या हुआ गाने में, गाना ऊपर की तरफ गया, ओ, 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 ओ,
ये पिच ऊपर की तरफ बढ़ी, ठीक है। अब देखिए पिच उतरता कैसे है, तो पिच इसी को वैसे ही मान के रखते हैं, सेंटर इसी को मान के रखते हैं। अब ये हो गया, इसमें आवाज कैसे हो जाएगी, गाने की तरह करते ओ, 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 ओ। देखिए पीछे पिच नीचे की तरफ उतर गई। तो अभी आपने क्या देखा, अगर आप साथ में गुनगुनाते हैं, अपनी आवाज मिलाते हैं, तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ चढ़ी और ये तो ये क्या हुआ, यहां सेंटर मानकर हम हाई पिच यानी ऊपर की तरफ की आवाज कैसी होगी उसको समझ रहे थे, और जब इस यहां से नीचे की तरफ आए तो पिच लो यानी नीचे की तरफ आवाज हो जाती है उसको कैसे समझेंगे, ये हमने डिफाइन किया। यहां से समझ गए होंगे, इसको सेंटर मानकर ऊपर की तरफ यानी प ध नि सा रे और नीचे की तरफ प म ग रे सा। अब ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ आवाज ऊपर जा रही तो ऊपर ही जाएगी, नीचे जा रही तो नीचे ही जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना कि पढ़ाई का स्टेप होता है, पहले ए बी सी डी पढ़ेंगे, फिर ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे, फिर दिस इज एन एप्पल पढ़ेंगे, उसी तरह स्टेप है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप कि आप ऊपर की पिच को सुनने की कोशिश कीजिए, फिर नीचे की पिच को सुनिए, अब दोनों को मिलाकर सुनिए, तो वो आप कैसे समझिएगा। तो कैसे करेंगे उसको देखिए, आप सेंटर वही है तो एक ऊपर एक नीचे, फिर एक दो यहां से दो ऊपर दो नीचे, तो देखिए कैसे होगा। एक ऊपर गए एक नीचे आए, फिर अब दूसरी तरफ जाएंगे, और ध्यान से सुनना है, मैं बार बार कह रहा हूं सुनना है बहुत ध्यान से, अगर आप अपनी गुनगुनाकर अपनी आवाज या ओ आ ई उ कुछ भी बोलकर मिलाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे, पहले आवाज हमेशा यहां मिलना चाहिए, तब उसके बाद सब जगह मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है। अब उसी तरह यहां जाते हैं, तीन चार बार करेंगे, फिर तीन चार बार इधर, चार पांच बार, फिर इसको भी ऐड करेंगे, या ऐसा पांच से चार पांच बार करेंगे, फिर नीचे आएंगे, पांच चार पांच बार ऐसा करेंगे। इस तरह से आपको बार बार सेंटर से ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, दोनों का डिफरेंसेस समझ में आएगा कि ऊपर और नीचे कैसे जाते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों इसमें भी इसको आप बहुत प्रैक्टिस करें। देखिए बहुत यूनिक चीज हमने आज बता दिया है, इसकी प्रैक्टिस इसके पीछे लग जाइए तो आवाज पिच किधर किधर जा रही है आपको बहुत जल्दी आप इसको समझ पाएंगे, तब गाना निकाल पाएंगे। और दोस्तों इसका कुछ पार्ट अभी और रह गया है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, पार्ट टू कर इसी का, ठीक है। उसमें और मैं डिफाइन करूंगा कि और पिच पे कमांड नीचे ऊपर का और कितना अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मेरी वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक बार। नमस्कार।